गोरखपुर जोन में साइबर क्राइम के शिकार पीड़ितों के लिए साइबर थाना खोल दिया गया है, जिसमें बाकायदा थाना प्रभारी, 3 एक्सपर्ट कांस्टेबल, हेल्प डेस्क प्रभारी की नियुक्ति की जा चुकी है। थाना का उद्घाटन अभी बाकी है, लेकिन थाने में काम शुरू हो गया है। थाना खुल जाने के बाद अब साइबर क्राइम पीड़ितों को चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। साइबर थाने में 1 लाख से ऊपर के साइबर क्राइम की सुनवाई की जाएगी। थाना को सुचारू रूप से चलाने के लिए विवेक मिश्र को थाना प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा उपेंद्र सिंह, जया यादव, दीपचंद भारती, गरिमा तिवारी, आनंद यादव की तैनाती की गई है। साइबर थाने में ई कॉमर्स, फेक ट्विटर हैंडल, ऑनलाइन लॉटरी, वेबसाइट डिफेसमेंट, डेटा थेफ्ट, रैसमवेयर, बिटकॉइन, डार्क वे, साइबर आतंकवाद सहित सोशल मीडिया पर हुए क्राइम के साथ अन्य मामलों की सुनवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DIG रेंज राजेश डी मोदक ने कहा, क्या काम है आपका यहाँ? मेरा हेल्प डेस्क पे। कितने लोग आए कुछ आज? आज 2 लोग आए सर। किस तरह मामला भी लिखते हैं? यहाँ पे 1 लाख से ऊपर जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड होता है, बैंक फ्रॉड या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इससे रिलेटेड जो भी क्राइम्स होता है तो रजिस्टर में नोट होता है। यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर मेंटेन होता है, फिर सबके पास जाता है। सर कब से शुरू हुआ? अभी उद्घाटन हुआ नहीं इसका? उद्घाटन नहीं हुआ, मैं तक ज्वाइन किया थाना है। तो कुछ शिकायतें आ रही हैं कल से? आप शिकायतें आ रही हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। किस तरह की शिकायतें अभी तक आई होंगी एक दिन के अंदर? जैसा कि साइबर थाना है तो साइबर क्राइम से संबंधित शिकायतें आ रही हैं। 1 लाख से ऊपर जो पैसे का अपराध है उसको हम लोग दूर करते हैं। बाकी 1 लाख से नीचे जो अमाउंट है वो लोकल थाना डील करता है। बाकी ये अपराध हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो मंडल में पहला थाना बना है ये, रेंज का पहला रेंज, 4 जनपद इसमें समाहित है, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर। टाइमिंग क्या है इसका? 24 आवर। अभी तक देखिए अभी तक उद्घाटन हुआ नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ 15 एप्लीकेशन आ गए हैं, उसकी जांच चल रही है। ठीक है, और हर तरह की एक कंप्लेन आ रहे हैं, फेसबुक से रिलेटेड आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से रिलेटेड आ रहे हैं। बाकी जिसका कॉल करके पैसा निकाला गया है फ्रॉड तरीके से, तो जैसे सर सर ने बताया जितने भी 1 लाख के ऊपर के ट्रांजेक्शन होते हैं जो फ्रॉड तरीके से किए जाते हैं, वही तरह के तरीके से एप्लीकेशन आ रहे हैं। जो क्राइम बढ़ा है साइबर क्राइम, जो जहाँ में एक कांड हुआ था सोशल मीडिया ग्रुप से ही हुआ था, इस तरह का और कुछ प्रवासी मजदूर भी जब आए हैं आपके यहाँ, उनको लेकर के भी कुछ जो सोशल मीडिया पे जो क्राइम हो रहा है या जो साइबर क्राइम जिसको हम कहेंगे, साइबर क्राइम के लिए एक पूरे रेंज में एक स्पेशल थाना एक अभी गोरखपुर में ओपन हुआ है और उसमें स्पेशलाइज्ड लोग उसमें रहेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसमें साइबर क्राइम से रिलेटेड मुकदमे लिखे जाएंगे, तो उसमें काफ़ी राहत लोगों को मिलेगी आगे आने वाले समय में।